ओम शांति। श्रेष्ठ पुरुषार्थ के मार्ग पर चलते चलते हम सभी बाबा के बच्चे कई बार थक जाते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। अभी हाल ही में बाबा ने कहा था, पुरुषार्थ में थकना माना आलस्य की निशानी है। तो ये आलस्य क्यों आता है, अलबेलापन क्यों आता है? श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, ऊंची से ऊंची प्राप्ति है, ऊंचे से ऊंचे बाप का साथ है, प्यारा ब्राह्मण परिवार है, तो फिर क्यों अलबेलापन आ जाता है, क्यों हम थम से जाते हैं पुरुषार्थ में? एक तो ये कि हम पुरुषार्थ होने का गलत भाव कई बार यूज करते हैं अपने प्रति, कि अभी मैं पुरुषार्थी हूँ, गलती तो होगी ना, गलती होना नेचुरल है। पुरुषार्थ का अर्थ होता है इस देह रूपी रथ पर सवार मैं पुरुष, मैं आत्मा, अपनी उन्नति करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। पुरुषार्थी जीवन का अर्थ ही है जो हर क्षण पहले से नया है, हर क्षण पहले से जिसमें उन्नति है, आगे बढ़ना है, और जहाँ आगे बढ़ना है वहाँ ठहर जाना, अलबेलापन आना, आलस्य आना, मानो जैसे ये हमारे परम शत्रु हैं। इसका कारण है कि जो भी हम बाबा की बातें सुनते हैं उसके अनुभवी मूर्त हम नहीं बन पाते, माना अनुभव की सब्जेक्ट में हम अभी काफी पीछे चल रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं ये नहीं देखूंगा कि आपने कितनों को संदेश दिया, कितनों को ज्ञान सुनाया, मैं ये देखूंगा कि आपने कितनों को योग्य बनाया, कितनों को सुख दिया। ऐसा करते आप स्वयं भी कितने निर्विघ्न रहे, शक्तिशाली रहे। तो अनुभवी मूर्त बनने के लिए आज हम बाबा के साथ सर्व संबंधों के रस का अनुभव करेंगे। एक एक संबंध को सामने रखते हुए चिंतन भी करेंगे और गहराई से महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे बाबा के साथ उस संबंध का। जैसे जैसे आप सुनते जाएं, वैसे वैसे आप कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए महसूस करें, अनुभव करें और गहराई में चले जाएं। हम सभी जानते हैं कि बाबा के साथ हमारे तीन मुख्य संबंध हैं, जिनसे कि बाबा हमारी पालना करता है। पहला परमपिता, दूसरा परम शिक्षक, तीसरा परम सतगुरु। बाबा हमारा परमपिता है, सुप्रीम फादर। जैसे बाबा कहते हैं ना कि तुम्हारे दो बाप हैं, एक शरीर का जिन्हें लौकिक पिताजी कहते हैं, और एक मेरा, मुझ आत्मा का। तो अनुभव करें कि मैं आत्मा, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, उनका वंश हूँ। वो पिता जो इस सृष्टि का मालिक है, जो सर्वशक्तिमान है, जो ब्रह्मांड का मालिक है, मैं उसकी संतान हूँ। वो मेरा बाबा है, वो मेरा पिता है। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं। दुनिया जिसे ढूंढ रही है, जिसके लिए भक्ति मार्ग में जाने हम क्या क्या कराए हैं,
जप किए, तप किए, व्रत किए, तीर्थ यात्राएं करी, क्या नहीं किया, दान पुण्य किया, गुरु किए, लेकिन वो नहीं मिला। और अब जब वो मिला है तो मुझ भाग्यवान आत्मा को पिता के रूप में मिला है। पिता माने जो मुझे शक्ति देता है, जो मुझे प्यार देता है, जो मेरी हिम्मत को बढ़ाता है। तो बाबा जब पीठ थपथपाता है, कहता है कि बच्चे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मैं हूँ ना, तो ये अनुभव होता है कि मैं आत्मा अपने पिता की गोदी में पल रही हूँ। परमपिता परमात्मा के साथ ये जो संबंध है, ये ऑटोमेटिक ये स्मृति दिलाता है कि बाबा के खजाने अगर मेरे नहीं तो फिर किसके हैं। मैं बाबा की संतान हूँ, बाबा मेरा है, तो जो बाबा का वर्षा है वो ऑटोमेटिक मेरा हुआ ना। तो फिर मेहनत की, मुश्किल की, संघर्ष की कोई बात ही नहीं है। अगर संगम पर हम मेहनत करेंगे तो फिर कल्प हम क्या करेंगे। ये वही समय है जब हमें मेहनत नहीं करनी है, मोहब्बत करनी है। परमपिता परमात्मा का प्यार मुझ आत्मा की जीवन शक्ति है। बाबा के प्यार से, बाबा की शक्तियों से मैं आत्मा इस संसार में कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरा, परम शिक्षक। मेरे बाबा मेरे परम शिक्षक हैं और मैं उनकी बहुत प्यारी, ईमानदार, सिंसियर विद्यार्थी हूँ। कभी दुनिया में ऐसा शिक्षक देखा है? इतना मीठा, इतना प्यारा, इतना धैर्यवान, इतना परोपकारी, इतना रहम दिल कि दिल कहता है कि संसार की सब आत्माओं से ज़्यादा मुझ पर रहम हुआ है। बाबा का ये जो प्रेम पत्र है, मुरली, हर दिन हम बच्चों को मिलता है, जिसमें बाबा की दुआएं हैं, प्यार है, उनका हमारे प्रति कंसर्न है, फिक्र है, चिंता है। जैसे बार बार बाबा स्मृति दिलाकर ये कहते हैं कि बच्चे थकना नहीं, रुकना नहीं, आगे बढ़ते चलना है, विजयमाला में आना है। बाबा की मुरलियों में डायरेक्शंस हैं, वार्निंग्स भी हैं, ताकि बाबा अपने बच्चों को सतर्क करते रहते हैं, हमें सावधानी देते रहते हैं कि अगर हम कभी भटक जाए तो संभल सके। मुरली के अंदर जो अति इंद्रिय सुख है, वो वही मिसाल है जब कहते हैं कि कृष्ण ने मुरली बजाई तो गोपियां मंत्र मुग्ध हो गई। तो मैं आत्मा भी वही गोपिका हूँ जो मुरली की धुन पर खुशी से नाचने लगती है, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करती है। देखो मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा ही मुझे शिक्षक के रूप में मिले हैं। बाबा की ये शिक्षाएं मेरे जीवन का मार्गदर्शन बनती है। इन शिक्षाओं में प्यार है, मिठास है। मैं आत्मा पूरे मनोयोग से, ईमानदारी से, सच्चाई से ज्ञान बिंदुओं का अध्ययन करती हूँ। मैं स्वाध्याय करती हूँ, क्योंकि मुझे हर क्षण ये खुशी है कि मुझे पढ़ाने वाला स्वयं ऊंचे ते ऊंचा बाप है। दुनिया में तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, फिर सतयुग में देवता देवता को पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा आज वर्तमान जैसा भाग्य फिर दोबारा कल्प में नहीं मिलेगा। तीसरा, परम सतगुरु।
बाबा मुझ आत्मा का सतगुरु है, मेरे जीवन को मार्गदर्शन देने वाला, मेरे जीवन का नेतृत्व करने वाला, रोज श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वरदानों से मेरी पालना करने वाला मेरा बाबा मेरा गुरु भी है और मैं बाबा की आज्ञाकारी फरमान बरदार शिष्य हूँ। वाह रे मेरा भाग्य कि मुझे तो स्वयं भगवान ही गुरु के रूप में मिल गया। बाबा ने मुझे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दिया है। मेरा जीवन बाबा को गुरु के रूप में पाकर धन्य हो गया है। दिल से बस यही निकलता है, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह रे मैं भाग्यवान आत्मा, वाह मीठा ड्रामा वाह। हमारे जो भी लौकिक संबंध होते हैं उनका अनुभव भी हमें बाबा के साथ करना चाहिए, जैसे मित्र का। बाबा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, एक ऐसा दोस्त जो संसार में कभी नहीं मिल सकता, जिसके साथ मैं अपने दिल की सारी बातें कर सकती हूँ, वो बातें भी जो मैंने कभी किसी से नहीं कही, वो मैं बाबा से निश्चिंत होकर कर सकती हूँ। मेरा बाबा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लॉयल फ्रेंड है। बाबा जैसा विश्वसनीय दोस्त, भरोसेमंद दोस्त मुझे कभी नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं बाबा के साथ सारी बातें शेयर करती हूँ। दिन भर की अपनी सारी बातों को बाबा को बताती हूँ। मैं आत्मा बाबा के साथ ही भोजन करती हूँ, क्योंकि बाबा दोस्त है ना, तो दोस्त के साथ भोजन करते हैं तो मैं भी दोस्त के साथ भोजन करती हूँ, तो मैं और बाबा हमेशा साथ ही भोजन करते हैं। यूँ तो बाबा भोजन नहीं करता पर भाषण ज़रूर लेता है। फिर जैसे दुनिया में दोस्त के साथ घूमने जाते हैं, तो मैं आत्मा भी बाबा के साथ जब मन चाहे तब अपने सूक्ष्म शरीर के साथ दुनिया भर की सैर करने निकल जाती हूँ। आनंद ही आनंद आता है, तो ये मित्रता मेरे लिए बड़ी अनमोल है। ये मित्रता मुझे बहुत खुशी देती है। ऐसा लगता है कि मुझे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मित्र मिला है, जो दुनिया में किसी को नहीं मिल सकता। सदा साथ निभाने वाला, मुझे मेरी गलतियों के बारे में बताने वाला, मुझे सही रास्ता दिखाने वाला विश्वसनीय मित्र, प्यारा मित्र मेरा बाबा। बाबा हम आत्माओं का हम सफर है, जीवन साथी है। जीवन कोई एक जन्म नहीं, बल्कि अनेक जन्मों की आत्मा की यात्रा को जीवन कहा जाता है, जिसमें जन्म और मृत्यु दो घटनाएं हैं। बाबा मुझ आत्मा का जीवन साथी है, जीवन में साथ निभाने वाला, जन्म जन्म का साथी, जिसके साथ मुझ आत्मा का शाश्वत संबंध है, अविनाशी संबंध है, जिसका आधार पवित्रता है, पवित्र प्रेम है। बाबा वो जीवन साथी है जो मेरे जीवन की करने वाली हर बात में, हर परिस्थिति में, हर सुख दुख में मेरा साथ निभाता है, जो मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। बाबा मेरा प्रीतम भी है, मेरा साजन भी है। ऐसा साजन दुनिया में किसको मिल नहीं सकता, जो मुझ आत्मा की पवित्रता की रक्षा करता है, जिसके लिए मैंने पवित्रता का व्रत लिया है। ऐसा साजन जो मेरा मार्गदर्शक है, जो मेरे जीवन का संचालन करता है, नियंत्रण करता है,
जिस प्रीतम की आंख से मैं सारी दुनिया को देखती हूँ, ऐसा प्रीतम, ऐसा साजन जो सूरज के समान मेरे जीवन को रोशनी से भर देता है, मैं भाग्यवान आत्मा उस प्रीतम की सजनी भी हूँ। इसी तरह बाबा हम आत्माओं का बच्चा भी है, इस रूप में भी अनुभव करें। बाबा आनंद का सागर है, बच्चे भी आनंद देते हैं ना, तो बाबा भी बहुत भोला है, बहुत मासूम है। जब भी बाबा को खाना खिलाएं, अपने हाथ से ही खिलाएं, अनुभव करें, बाबा के सिर पर हाथ फेरें, बिल्कुल वैसे जैसे माँ अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरती है, प्यार से स्पर्श करती है और भोजन खिलाती है, ऐसे बाबा को आनंद स्वरूप बच्चे के रूप में देखे। अब जब बच्चा माना है तो अपनी वसीयत भी लिखनी पड़ेगी। यूं तो मैं आत्मा एक फकीर हूँ, खाली हाथ ही आई थी, खाली हाथ ही जाना है, अशरीरी आई हूँ, अशरीरी जाना है, लेकिन वसीयत तो लिखनी पड़ी ना। तो सबसे पहले मैं आत्मा अपना शरीर, ये पुराना शरीर बाबा को, जो अभी इस वक्त मेरे सामने बच्चे के रूप में है, ये शरीर विल करती हूँ। इसी तरह मुझ आत्मा का हर संकल्प, समय, पूरे 24 घंटे, सभी शक्तियाँ, मेरी दृष्टि, वृत्ति, धन, परिवार के सब संबंध, सभी देह के पदार्थ, एक एक श्वास जो मैं ले रही हूँ, वो सब मैं इस वसीयत में बाबा को विल करती हूँ। अब जब सब विल कर दिया तो फिर वापस नहीं ले सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को यूज़ करने से पहले बाबा से ज़रूर पूछना है। बाबा से पूछे बिना अगर हम इनमें से कुछ भी यूज़ करते हैं तो इसको ईमानदारी नहीं कहा जाएगा, इसको कहेंगे डिसऑनेस्टी। तो मेरा तो बाबा के साथ सच्चाई का संबंध है ना, तो इसलिए अब जो भी वसीयत लिखती है वो वापस नहीं ली जा सकती। मैंने जब बाबा को सब कुछ विल किया तो मुझे बदले में क्या मिला? विल पावर। बाबा ने मुझे इच्छा शक्ति दी है। इसी तरह हम सभी बाबा के बच्चे सर्व संबंधों का रस एक बाप के साथ अनुभव करें, ये भी अनुभव करें कि बाबा ही सर्व प्राप्तियों का एकमात्र केंद्र बिंदु है। अभी भी जो हम भटक रहे हैं, जैसे कुछ दिन बाबा ने पहले ही मुरली में कहा कि जरूर बच्चों को निश्चय नहीं, भरोसा नहीं ऐसे बाप पर जो जीवन दान देता है, तभी तो बच्चे दो नावों में पैर रखकर चलते हैं, भटकते रहते हैं, एक तरफ श्रीमद पर भी चलते, एक तरफ फिर गंगा स्नान भी करते तो भक्ति भी करते। अब ज़रा सोचिए, जिस व्यक्ति के दो नावों में पैर होते हैं उसका क्या हाल होता है। इसलिए हमें जाग जाना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमें कौन पढ़ा रहा है, कौन हमें दुलार पुचकार दे रहा है, क्योंकि अभी थोड़े ही समय में बाबा का धर्मराज का पाठ शुरू हो जाएगा, तब आज जो हमें अनुभव हो रहा है, जो पालना हम अनुभव कर रहे हैं, फिर वो पाठ समाप्त हो जाएगा, उससे पहले पहले ही हमें अपनी श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त करनी है, बनानी है। ओम शांति।